मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो परमाणु संरचना से संबंधित है। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 11th केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने कुछ बेसिक चीजें 6, 7, 8, 11, 9, 10th में आपने पढ़ रखी है। 11th क्लास में आपका जो 10th लेवल तक जो आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है उससे अपन आगे चलेंगे। आपने 10th लेवल तक जो चीजें पढ़ी हैं वो भी हम 11th में अभी इसको कवर करेंगे, लेकिन उससे आगे को भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, परमाणु संरचना हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई थी, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया गया, वो हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। अब वो थ्योरी थी, अब हम जा रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु के अंदर कितने भाग हैं, परमाणु विभाजित है अविभाजित है, उसके अंदर कितने प्रकार के कण बैठे हैं, तो इन बातों को अपन डिस्कस करेंगे। तो परमाणु की संरचना में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अवपरमाणुक कण। कहने का मतलब है परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं, परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं। तो मूलभूत कणों में हमारा फर्स्ट नंबर आता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का हमारा प्रथम कण आता है। देखिए, फैराडे नाम का वैज्ञानिक था साहब, फैराडे नाम का एक क्या था, वैज्ञानिक था। और फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने एक कांच की विसर्जन नलिका ली, कांच की क्या ली, विसर्जन नलिका, धातु की दो प्लेट उसमें बंद की गई जिनको उच्च वोल्टता से जोड़ा गया, जिनको किससे जोड़ा गया, उच्च वोल्टता से जोड़ा गया। ये कैथोड था, ये एनोड है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको क्या बोला गया था, विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका। ओके, तो कैथोड और एनोड उच्च वोल्टता है, इसमें उच्च वोल्टता है। देखिए, जब इसमें क्या बनी गई, वायु। जब दो धातु की प्लेटों को एक विसर्जन नलिका में अपने सील बंद किया, वायु या इसमें गैस बनी गई, उच्च वोल्टता इस पर अप्लाई की गई, यहां एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा रखा गया, जिंक सल्फाइड से लेपित क्या रखा गया, एक पर्दा रखा गया। और तो पता चला कि यहां से कुछ किरणें निकलती हैं, वो किरणें जब यहां गिरती हैं एनोड के पीछे पर्दे पर, तो चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो इन किरणों का नाम क्या निकाला गया, जो कैथोड
जब हम इस विसर्जन नलिका के बाहर आवेशित प्लेटों को रखते हैं, एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट को जब हमने रखा है, तो जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो किरणें हैं वो धनावेशित प्लेट की तरफ विस्थापित हो जाती। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो कैथोड किरणें हैं उनमें जो क्या है कण, उन पर कैसा आवेश है, उन पर ऋणावेश है सर, तभी तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो किसकी तरफ विस्थापित हो गई, प्लस की तरफ। यदि हम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें, विद्युत क्षेत्र की क्या बात करें इसके अनुपस्थिति की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें तो ये किरणें जो है वो सरल रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में क्या करती है गमन। कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं, यह बात किसने बताई, यह बताई हमें जे जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है उसका श्रेय किसको जाता है, थॉमसन को जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बोलिए, थॉमसन ने। यह प्रयोग किसका था, फैराडे का। तो कैथोड किरणों में जो कण होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है वो कण क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। ठीक है, ये प्रयोग उसी ने किया था प्लेट वाला, और विसर्जन नलिका का जो प्रयोग है वो किसने किया था, फैराडे ने। तो हम मेनली ये कह सकते हैं कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं, जो कहां से निकली थी, कैथोड से, इसमें जो कण होते हैं उन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा। उसके बाद थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश तथा द्रव्यमान, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया गया, किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा ही। थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का ई बटा एम ज्ञात किया गया। थॉमसन के द्वारा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ई बटा एम, आवेश बटा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया गया, और वो अनुपात क्या था, वो था 1.7588 इंटू 10^11 कूलाम पर केजी। ये था इलेक्ट्रॉन के लिए ई बटा एम, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। ओके, किसके द्वारा फाइंड किया गया, थॉमसन के द्वारा। उसके बाद वैज्ञानिक आया है मूलिकर, मूलिकर ने एक प्रयोग किया जिसका नाम क्या था, ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, तेल बिंदु प्रयोग, तेल बिंदु प्रयोग। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए ई बटा एम बताया कितना आया, 1.7588 इंटू 10^11 कूलाम पर केजी। मूलिकर के द्वारा तेल बिंदु प्रयोग किया गया, उसके लिए क्या फाइंड किया गया, उसने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया, आवेश, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना है, वो है 1.6 माइनस गुणा 10^-19 कूलाम। ये माइनस का मतलब ये क्वांटिटी थी, ये क्वालिटी है,
तो मैं इसको यहां माइनस नहीं लगाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इकाई ऋणावेश, इकाई ऋणावेश भी कह सकता हूं। ठीक है, तो थॉमसन के द्वारा E बटा M आया, मुलिकन के तेलबिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात हुआ 1.6 - 19 कूलम। इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया गया? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के आवेश में E बटा M का भाग लग गया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम अपॉन E बटा M कितना आया था, इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 1.76 राउंड फिगर में × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कट गया तो आंसर केजी में आ जाएगा, कितना आएगा 9.1 × 10⁻³⁻³ किलो। ये इलेक्ट्रॉन का केजी में क्या गया? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का केजी में क्या गया? द्रव्यमान। तो ये हमने याद कर लिया है। इस तरह इलेक्ट्रॉन के लिए बातें पता चली। आपको इसमें याद क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन के आवेश, उसका द्रव्यमान, उसके लिए E बटा M और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इसके बाद नंबर आता है प्रोटॉन की खोज का। उसके बाद नंबर किसका आता है? प्रोटॉन की खोज का। देखिए, प्रोटॉन की खोज के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टाइन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? गोल्डस्टाइन। और गोल्डस्टाइन ने वही प्रयोग था जो पहले किसने किया था? फैराडे ने। उसमें फर्क क्या था? उसने कैथोड कैसा लिया? छिद्रित। छिद्रित क्या लिया? कैथोड। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि कैथोड वाले प्रयोग में निकलने वाली कैथोड किरणें उस विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब सभी पदार्थों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक आवश्यक कण होता है, लेकिन प्रोटॉन का जब खोज हुई, जब किसने प्रयोग किया? गोल्डस्टाइन ने, तो उसने ये कहा कि बरेली गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता क्या, जो एनोड से किरणें निकलती है। तो उसने एक कैथोड कैसा लिया? छिद्रित। वही प्रयोग किया उसने सेम टू सेम, तो पता चला कि कैथोड की तरफ भी चमक उत्पन्न होती है। कैथोड की तरफ भी क्या उत्पन्न होती है? चमक उत्पन्न होती है। इससे क्या उसने अर्थ निकाला कि जिस प्रकार कैथोड से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार एनोड से भी किरणें निकलती हैं। एनोड से भी क्या निकलती है? किरणें। और जो एनोड से किरणें निकलती है उनका नाम क्या है? कैनाल किरणें, जिनको मैं धन किरणें भी कह सकता हूं या फिर एनोड किरणें भी कह सकता। कैनाल किरणें, धन किरणें और एनोड किरणें, जो कहां से निकलती है? एनोड से। ओके, उसने कहा कि जिस प्रकार कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में गमन करती है, उसी प्रकार एनोड किरणें भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में गमन करती है। जब इन पर हम आवेशित प्लेट रखते हैं, इनके पास में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो जो एनोड किरणें होती है वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ, ऋणावेशित प्लेट की तरफ विस्थापित हो जाती है। यहां से सेल्स क्या निकला?
ऋणावेश प्लेट की तरफ विस्थापित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धन किरणें हैं, जो एनोड से निकली हैं, धन किरणों में जो क्या है, कण है, वो कैसे है, वो है धनावेशित कण है साहब। इसीलिए तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो किसकी तरफ विस्थापित हो गए, ऋणावेशित प्लेट की तरफ क्या हो गए, विस्थापित हो गए। बात करें हम उनके आवेश और द्रव्यमान की, प्रोटॉन के आवेश और किसकी, द्रव्यमान की, आवेश और किसकी, द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन के लिए आवेश जो है, प्रोटॉन के लिए जो क्या है आवेश, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेशित प्रकृति का होता है, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनावेशित प्रकृति का होता है, तो उतना ही होता है प्लस में लेके 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, आवेश इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, इसका आवेश था। हमें याद इतना ही रखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसके लिए ई बटा एम, ये बातें आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए और स्टडी के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट में बात करूंगा प्रोटॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की खोज की, किसकी बात करूंगा, न्यूट्रॉन की खोज की बात करूंगा, न्यूट्रॉन की खोज की बात करूंगा। देखिए जेम्स चैडविक ने, किसने, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। उसने किया क्या, बेरिलियम कणों पर, बेरिलियम कणों पर उसने अल्फा कणों की बमबारी करवाई। अल्फा कणों का मतलब क्या होता है, हीलियम की नाभिक, हीलियम की नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, बेरिलियम को मैं क्या कह सकता हूं, परमाणु क्रमांक 4 और एटॉमिक वेट कितना है इसका, 9। तो एक तो क्या आया कार्बन, 4 और 2 6, इसका परमाणु क्रमांक 6 था, वेट 12 था, तो एक उदासीन कण जिनका वेट तो इकाई था उत्पन्न हुए, क्या उत्पन्न हुए, उदासीन कण। और उदासीन कण जो है उनका नाम क्या दिया गया बताइए, न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया उनका, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने खोज की, बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई, तो कार्बन के साथ साथ एक उदासीन कण उत्पन्न हुआ जिसे क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, शून्य, आवेश कितना होता है, शून्य, पर इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर लेकिन थोड़ा सा अधिक होता है, 1.674 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कुछ परमाणु के मूलभूत कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको जो इनके मान है वो पूरे 10^4 संख्या तक यदि याद नहीं हो तो आप कम से कम 1 या 2 संख्या तक भी याद रख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। मैं सारांश रूप में इन तीनों मूलभूत कणों के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश और उनका द्रव्यमान लिखूंगा ताकि आपको एक जगह मिल जाए। बात करूंगा किसकी पहले, इलेक्ट्रॉन,
इसका जो द्रव्यमान है वो है 9.1 × 10⁻³¹ के जी। इसके लिए E बटा जो m है वो है 1.76 × 10⁻¹ कूलाम प्रति के जी। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। मैंने यही वैल्यू याद रखनी है आपको इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, ठीक है। इस यही बातें हम किसके लिए करेंगे? प्रोटॉन के लिए। उस पर आवेश इस बार प्लस में, क्वांटिटी वही है, क्वालिटी डिफरेंस है। प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ इसका जो द्रव्यमान है वो है 1.672 × 10⁻²⁷ के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर देखिए, अब धनावेशित कण है, द्रव्यमान मैंने आपको बता दिया। फिर बात करूंगा किसकी? न्यूट्रॉन की, जिसमें द्रव्यमान तो होता है प्रोटॉन से कुछ अधिक, लेकिन आवेश कितना होता है? जीरो। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो कितना है? जीरो। और जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक, 1.67 टू की जगह 4 × 10⁻²⁷ के। ये मूलभूत बातें आपको याद रखनी है जो अब तक हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। इन पर आवेश, इनका द्रव्यमान, ये आपको न्यूमेरिकल के लिए भी आवश्यक है और वैसे आपको नॉलेज के लिए भी। और प्रयोग वगैरह तो आप कैसे भी इसको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी कण हैं जो परमाणु में उपस्थित हैं, मूलभूत नहीं है, उपस्थिति हो भी सकती है और नहीं। उन कणों के बारे में भी अपन नाम पढ़ेंगे, उनकी खोज पढ़ेंगे, उन पर आवेश पढ़ेंगे। सबसे पहला कण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन। वैज्ञानिक किसके द्वारा? एंडरसन के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। इसका जो आवेश है और जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। आवेश द्रव्यमान किसकी तरह होता है? इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन पर जो आवेश है वो धनावेश होता है। पॉजिट्रॉन पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धनावेश उपस्थित होता है। खोज किसने की? एंडरसन ने। उसके बाद नाम आता है एंटीप्रोटॉन। एंटीप्रोटॉन, एंटीप्रोटॉन ये एक ऋणावेश कण है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो उसका विपरीत क्या हो गया? ऋणावेश। एंटीप्रोटॉन में आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। खोज किसने की? सेगरे नाम के वैज्ञानिक ने। सेगरे नाम के वैज्ञानिक। उसके बाद थर्ड नंबर आता है हमारा मेसॉन। आपने कई बार एनवायरमेंटल स्टडीज में भी इसका नाम सुना होगा। मेसॉन की खोज जो है वो युकावा नाम के वैज्ञानिक ने की थी। मेसॉन की खोज किसने की थी? युकावा नाम के वैज्ञानिक ने। और ये जो मेसॉन है वो शून्य आवेश वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आवेश वाले भी हो सकते हैं और नेगेटिव आवेश वाले भी हो सकते हैं। अब एक कण आपके पास बच गया और वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो जिसकी खोज जो है वो की थी पॉली ने। पॉली ने तो इसकी खोज की थी। और ये कण कैसी प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का ये कण है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ कण होते हैं परमाणु में, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, मेसॉन और न्यूट्रिनो, ओके, जिनकी मैंने आपको प्रकृति बताई है और इनके खोजकर्ताओं के नाम मैंने आपको
के मूलभूत कण थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्रव्यमान संख्या, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटोनिक, समस्थानिक, समभारिक वगैरह की परिभाषाएं पढ़ेंगे, उनका डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।